मैं शिवानीलता विश्वफुल, मेरे चैनल पूरा कचड़ा पर। मित्रों, लेखक भगवंत अनमोल की पुस्तक जिंदगी 50-50 की समीक्षा लेकर के प्रस्तुत हूँ मेरे चैनल पूरा कचड़ा पर। मित्रों, भावनाएं, जरूरतें, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, ये सारी चीज़ें जिंदगी के साथ चलती रहती है और खासकर स्त्री के साथ तो और ज़्यादा। स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है वह एक समानता का संबंध होता है, समानार्थी होता है। और जब परिस्थितियां बदलती है तो वह जो है एक बेहद दर्दनाक मोड़ भी ले लेता है। संघर्ष आपसी प्रेम का परिचायक होता है और आपसी प्रेम को प्रेरित भी करता है। आज आप देखेंगे कि भगवंत अनमोल जी के इस पुस्तक में जिंदगी 50-50 में किस तरह का खेल रचा गया है, किस तरह से ये प्रेम कहानी जो एक स्त्री की है लेकिन पुरुष शरीर का रहता है, एक बेहद दर्दनाक परिस्थिति में जिंदगी ही नहीं बल्कि जिंदगी किस तरह से उलझती जाती है, समझौता करना पड़ता है, घर वालों के साथ जो है समाज का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है, किस तरह की जिल्लत जीनी पड़ती है एक मर्द और एक औरत की कहानी। अर्थात एक व्यक्ति में दो लिंगों का होना इस चीज़ को दर्शाता है कि आप जो है किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, किस समुदाय से जुड़े हुए हैं, आपकी पहचान क्या है, क्या आप किन्नर हो। तो किन्नर भी समाज का अहम हिस्सा है और सम्मान का पात्र है। इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे भगवंत अनमोल की तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से शैलीबद्ध किया गया है एक किन्नर की कहानी को। और जिंदगी 50-50 जो है आधी आधी हिस्सों में है, एक महिला और एक पुरुष के रूप में, और कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है और एक नई मोड़ की तरफ रुख करती है। कल्पना है तो वास्तविकता भी है, और वास्तविकता अपनी पहचान कभी नहीं खोती बल्कि पहचान लेकर के आगे बढ़ती जाती है। सराहने योग्य ये उपन्यास है, ये पुस्तक है भगवंत अनमोल जी का, कुछ शैली जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है मैं यहाँ सुनाऊँ, जो मैं अंडरलाइन करके रखी हुई हूँ। सूर्या का जन्मोत्सव, मैं हर्ष और सूर्या, और जगह मुंबई। कहते हैं बच्चे को माँ बाप से ज़्यादा उसकी दादी प्यार करती है, ठीक उसी तरह जैसे चुनाव लड़ने वाले को कोई व्यक्ति वोट भले ही ना दे पर सपोर्ट करे, ठीक उसी तरह जैसे व्यवसायी को मूलधन से ज़्यादा ब्याज की फिक्र होती है, ठीक उसी तरह एक दादी को अपने बेटे से ज़्यादा अपने पोते से लगाव हो जाता है। यह कहावत अक्सर सुनी जाती है कि दादी के लाड प्यार में बेटा बिगड़ गया, मेरी माँ सूर्या को बहुत प्यार करती थी, सूर्या को नहीं जानते, ओहो इतना भी नहीं जानते, अरे मेरा बेटा कहूँ या बेटी, समझ नहीं आता, चलो उस पर ही छोड़ देते हैं कि वह मेरा बेटा है या बेटी, इसका निर्णय वही लेगा जब तक मैं सूर्या को बेटा ही पुकारता हूँ। आप सही पकड़े हैं, सूर्या नाम मैंने साउथ इंडियन फिल्म सूर्या के नायक पर रखा था, संभवतः आप देखे होंगे इसे, ताकि मेरा बेटा भी अपने दुश्मनों का अकेले सफाया कर दे। इस बार कतई नाम के विपरीत आचरण, स्वभाव या जिंदगी नहीं होने दूंगा, इसलिए अब मैं हर पल उसके साथ था। तो मित्रों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कहानी मोड़ ले रही है, और इसी जगह आपको जो है बेटा या बेटी के वक्तव्य से पता चल रहा है कि जो है कहानी क्या रुख लेती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। तो आप जो है इस नॉवेल को मेरे चैनल कूड़ा कचरा के माध्यम से पढ़ें, इसे उपलब्ध करें और लेखक के लेखन शैली को सराहें। मेरे चैनल कूड़ा कचरा पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, दिली आभार।